गुड डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये हमारी इस सीरीज़ का, हमारी जो शिपिंग जॉब की एक्सपीरियंस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। मेरे साथ शेफ संजीव है। हमने पहले भी इससे एक वीडियो किया था जिसमें कि हम लोगों ने फूड एकोमोडेशन और यूनिफॉर्म के बारे में बताया था, जो कि वहाँ पे जो शेफ़ लोग होते हैं किस प्रकार से वो सारे के सारे प्रोसेस को करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। इस वीडियो में, सेकेंड वीडियो में, हम लोग बात करने वाले हैं सबसे बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको कि हम लोग USPH बोलते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी मैं लूँगा यहाँ पे USPH के बारे में होने वाले हैं। इसके अलावा इस सीरीज में भी और भी वीडियोस आएंगी जो कि आपको इन डेप्थ नॉलेज देंगी हमारी शिपिंग जॉब से रिलेटेड। तो संजीव, वेलकम बैक। और सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि USPH एक शब्द है, एक आप बोल सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है? शेफ, USPH मींस यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिक हेल्थ। ये हमारा USPH होता है, जो कि USA का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो कि उन्होंने अपनी एक टीम बनाई हुई है यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिक हेल्थ करके। वो हमारा इंस्पेक्ट करती है पूरा हमारे हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ से, सेफ्टी से, वेल्थ से रिलेटेड पूरा एक इंस्पेक्शन किया जाता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब कि USPH क्या बाकी, मतलब ये होता ही होता है, किस तरीके से ये होता है? ये हमारा जब भी US पोर्ट पे शिप लगता है, ये तभी हमारे को अलर्ट रहना पड़ता है। शिप का कभी भी USPH आ सकता है, तो हमारे को सारे जो भी USPH के स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं वो सब मेंटेन रखने पड़ते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड होता है। जहाँ पे फूड है वहाँ पे फूड से रिलेटेड सेफ्टी होनी चाहिए, जहाँ पे अपने फायर्स है फायर से रिलेटेड सेफ्टी होनी चाहिए, हर तरीके से USPH का प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। इट्स कंपलसरी होता है ये? यस, इट्स वेरी कंपलसरी। अभी मैं बोलता हूँ, जैसे हमारा शिप US पोर्ट पे ना लगे, किसी दूसरे पोर्ट पे लग रहा है, तो वहाँ पे भी ये होता है? वहाँ पे हर कंट्री का अपना एक पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड होता है। जैसे कनाडा में लगता है तो वहाँ पे कैनेडियन PH होता है, आपका बहामास में लगता है तो वहाँ पे बहामास PH होता है। तो ये हर कंट्री का एक रूल्स होते हैं जो कि उस हिसाब से हमारे को प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है USPH सिर्फ US के पोर्ट्स होंगे तब जाके हम लोगों को फॉलो करना है, वहाँ पे इंस्पेक्शन होंगे। अगर आप कनाडा में जा रहे हैं तो कनाडा की जो पब्लिक हेल्थ है वहाँ से रिलेटेड आपके इंस्पेक्शन होंगे, या यूरोप में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे होंगे। तो जो US में शिप्स होते हैं वहाँ पे US के पोर्ट्स पे हमें USPH के इंस्पेक्शन देने पड़ते हैं। तो क्या जो ये इंस्पेक्शन होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, या किस तरीके से चीज़ें होती है? ये बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर अगर आप डेली रूटीन में अगर आप इसको करते रहते हैं तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। पर अगर आप जैसे रूटीन छोड़ देंगे अपना, या आप एक अंडर उसमें नहीं रहेंगे तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। पर ये हमारे जो कंपनी के स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं वो सब फॉलो करते हैं, तो ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये मतलब कि मैं बोलूँ USPH के जो इंस्पेक्शन होना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है, अगर ये इंस्पेक्शन नहीं होगा तो हर जगह लापरवाही बढ़ती जाती है। जैसे आप इंडिया में भी देख लीजिए, अगर आप किसी भी बारे में अगर आप उसके एक रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे, इंस्पेक्शन नहीं होगा, तो लोग अपना काम में ढिलाई देने लगते हैं। तो इसलिए ये एक पब्लिक हेल्थ है जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है और मेंटेन रखना ही रखना होता है। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें? अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि कल हमारा US पे कोई एक पोर्ट का नाम आप बता दीजिए हमारा US का। सान जुआन करके एक पोर्ट है जहाँ पे कि हमारा शिप कल लगने वाला है। तो आज एक दिन पहले मैं क्या क्या प्रिपरेशन करूँगा एज अ किचन स्टाफ या गैली स्टाफ, क्योंकि शिप में किचन स्टाफ को गैली स्टाफ के लिए। जैसे कि USPH में सबसे जो मेन रोल रहता है वो हमारे किचन से रिलेटेड रहता है, क्योंकि सब जहाँ पर फूड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है। तो बिफोर USPH वी हैव टू क्लीन ऑल द इक्विपमेंट्स, फ्रिजेस, हमारा सारा जो भी फूड है वो कवर्ड होना चाहिए, रैप्ड होना चाहिए, अंदर टेम्परेचर होना चाहिए, हमारे जो स्टोर्स हैं वो प्रॉपर अरेंज होने चाहिए, लेवलिंग के साथ होना चाहिए। ये सब हम सारी तैयारी करते हैं नीट एंड क्लीन के हिसाब से, एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन एंड सैनिटाइज। ठीक है, तो अभी जैसे मान लीजिए USPH इंस्पेक्शन मेरा कल है, तो अभी जैसे हमने जो भी फूड से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें कर ली है, हमारी क्लीनिंग से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें कर ली, तो क्या हमारी खुद की ग्रूमिंग से रिलेटेड भी चीज़ें? बिल्कुल, हमारे को एवरी टाइम ग्रूम्ड रहना पड़ता है, ये तो हमारा एवरी डे प्रोसीजर है। ये ऐसा नहीं कि आज USPH आएगा तो हमारे को आज ग्रूम्ड रहना है। ये हमारे कंपनी के प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे को फॉलो करने पड़ते हैं, शिप के प्रोटोकॉल्स हैं। किचन में आप जैसे भी रहेंगे आपको डेली शेव, डेली अपना हर तरीके से टूथब्रश, नेल क्लींस, क्लीन ड्रेस, ये सब आपको मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कहते हैं जो USPH वाले थे, किसी प्रकार के जैसे हम लोग फॉर्मेट्स बोलते हैं किचन के अंदर, फ्रिजेस के फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है जी, हमारे ब्लास्ट चिलर के होते हैं,
ठीक है, तो वो सारे के सारे भी मेंटेन हमको करने पड़ते हैं, वो सब चेक करते हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ का हर एक हमारे जो सीनियर शेफ्स होते हैं वो सारा एक रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, जिनके पास अपना एक चेकलिस्ट होता है, उस चेकलिस्ट पे वो एवरी वीक अपना जो भी हमारे टेम्परेचर्स होते हैं वो डेली भरे जाते हैं। एवरी वीक फिर हमारे सीनियर शेफ उसको चेकआउट करते हैं कि एवरी थिंग इज़ करेक्ट और नॉट, और जो जैसे भी जब कभी भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो मेंटेनेंस को बुला के उसको ठीक कराया जाता है। मतलब कि अगर मैं एक जूनियर कौमी लेवल पे हूँ या मैं एक सीनियर लेवल पे हूँ तो सबको ही मिलके उसमें काम करना पड़ता है। ठीक है, तभी जाके वो इंस्पेक्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन लेंगे अभी ड्यूरिंग यूएसपीएच, अगर मान लीजिए मैं एक डिपार्टमेंट में हमारा बुफे, मैं बोलता हूँ लीडो करके एक बुफे बड़ा फेमस होता है वहाँ पे, जिसको हम लोग लीडो बोलते हैं, तो वहाँ पे मैं एक शू शेफ हूँ या मैं सीडीपी हूँ, तो उस समय मेरी क्या ड्यूटीज होंगी ड्यूरिंग इंस्पेक्शन? आपको इंस्पेक्शन के टाइम पे बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, जैसे कि हमारा शिप डॉक हो गया है और हमारे को अलर्ट अनाउंस हुआ कि यूएसपीएच ऑन द बोर्ड, तो हमारे को एकदम से एक्टिव हो जाना पड़ता है, हमारे को हर चीज़ प्रॉपर चेक करनी पड़ती है कि सब कुछ टेम्परेचर पे है, सब कुछ हाइजीनिकली है, सब कुछ अपना ठीक है। जो भी हमारा लाइव काउंटर का बुफे है उस पर सब पे 4 आवर्स के टैग लगे हुए हैं, क्योंकि 4 आवर्स की यूएसपीएच की गाइडलाइंस होती है कि आपका जो भी फूड आउटसाइड है, जो भी लाइव काउंटर पे है, वो आपका टेम्परेचर में है और उसको विद इन 4 आवर्स कंज्यूम हो जाना चाहिए या फिर डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। प्लस जो हमारे नए ट्रेनिंग लोग हमसे जुड़ते हैं उनको चेक करना पड़ता है कि कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी नए आए हैं, या हमारा जो सर्विस स्टाफ है वो ग्लव्स पहने हुए हैं कि नहीं पहने हुए, किचन स्टाफ ने पहने हुए हैं, सब ने वेयरिंग कैप्स है, सब ने अच्छे से स्टैंडर्ड फॉलो करें, तो इसलिए हमारे को हमारा पूरा फूड टेम्परेचर में फ्रिजिस एक्यूरेट है हमारे नहीं है, तो हमारे को सब कुछ ये अलर्ट रहना पड़ता है। ओके, अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि यूएसपीएच इंस्पेक्शन है, ठीक है ना, अगर फेल हो जाता है, मतलब फेल नहीं होना चाहिए बट फेल हो जाता है, तो क्या क्या मतलब बोल सकते हैं इसके प्रभाव पड़ सकते हैं? ये अगर ये यूएसपीएच फेल हो जाता है तो उस टाइम पे जैसे कि आपने पहले कहा था कि डिफ़िकल्ट है, क्या है उस टाइम पे बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बड़े ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं जो कि मेंटेन करने पड़ते हैं, और अगर ये फेल हो गया तो आप ये मान लीजिए ये 100 टाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो हमारे को बार बार इंस्पेक्ट करते हैं, फिर एक यूएसपीएच ऑफिसर जो होता है वो शिप पे ऑन बोर्ड हर टाइम हमारे साथ रहेगा, वो हमारे को वॉच करेगा हम कैसे काम करते हैं, या जब हम शिप पे शिप डॉक होता है तभी ये सारे काम करते हैं, हम पहले भी ऐसे ही करते थे, तो उस टाइम पे बड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट सिस्टम कुछ होते हैं? ये पॉइंट सिस्टम होते हैं, ये 100 out of 79 समथिंग हमारे को पास आउट करने के लिए लाना पड़ता है। ओके, जो कि एक डेडलाइन है, अगर आपने 79 से नीचे लाए तो आप फेल हो। मतलब कि अगर 100 mark का इंस्पेक्शन हो रहा है तो 79 तो लाना ही लाना है, जो कि एक बहुत ही बड़ा फिगर हो जाता है। ठीक है, अगर उससे कम आते हैं तो इंस्पेक्शन तो दोबारा हो गए, मतलब बिना इंस्पेक्शन के शिप दोबारा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, बिना इंस्पेक्शन के शिप नहीं चलेगा, और कंपनी को बहुत ही बड़ा एक तरीके से जुर्माना पे करना पड़ता है यूएसपीएच को, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रोल आ जाता है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो इस सब के चलते कंपनी को बहुत बड़ा एक जुर्माना देना पड़ता है पोर्ट अथॉरिटी को भी और यूएसपीएच को। ठीक है, मुझे आप कुछ पोर्ट्स के नाम बता दीजिए यूएस पोर्ट के, फिर हम इस इंटरव्यू को फिनिश करते हैं यहाँ पे। जैसे कि बाल्टीमोर है, चार्ल्सटन है, सान जुआन है, मैंने बताया आपको। ओके, आपका चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आपने एक्टिवली पार्ट लिया था इनमें? हाँ, एक्टिवली मैं हमेशा एक्टिवली पार्ट लिया है, बिकॉज क्योंकि सीडीपी लेवल से जितना भी ऊपर होता है उन सबका एक एक्टिव रोल रहता है, जो अपने जूनियर्स को वॉच आउट रखने के लिए, अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, इन सब चीज़ों में एक बहुत ही एक्टिव रोल रहता है। तो अगर हम यूएसपीएस इंस्पेक्शन पास कर लेते हैं, जो क्रू वहाँ पे काम कर उनको भी कोई सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड होते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर्टिफिकेट, बस एक ऑल ओवर द सर्टिफिकेट मिलता है जो कि हमारे कैप्टन के पास जाता है कि वी आर द पास यूएसपीएच एंड दिस मार्क्स आर कमिंग, हमें ये नंबर मिले हैं। ठीक है, और ये सब एक वो ठीक, तो मतलब कि अगर इंस्पेक्शन पास होता है तो एक प्रॉपर एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जो कैप्टन के पास रहता है कि भाई इतने मार्क्स से आप लोगों ने पास किया। तो संजीव थैंक यू वेरी मच, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, नहीं तो और लंबी हो जाएगी, और फिर से मैं आपके पास आऊँगा और नए क्वेश्चन नए टॉपिक के साथ। बाकी आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि कुछ भी अगर आपके मन में और भी क्वेश्चन हो तो हम उनको भी कवर कर पाएँ। जय हिंद।